अब देखो पेज नंबर आ जाओ 239 पे। पेज नंबर 239 पे जब आप लोग आओगे तो उन्होंने बेसिक आप लोगों को बताया हुआ डोमेन, को डोमेन और रेंज में क्या फर्क होता है। असल यार जो न्यू स्टूडेंट आया है ना अभी, तो आपको फिलहाल आज का लेक्चर इतना समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपने पुराना टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है। तो बस आज आप देख लो कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। जब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो फिर आप कवर कर लेना चैप्टर नंबर 8। अच्छा, तो अगर आप पेज नंबर 239 पे आ जाओ ना, तो आपके पास डोमेन एंड रेंज की एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम बात स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है इफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई दो सेट दिए हैं। आपको बोला हुआ था फंक्शन इज डिफाइंड बाय, आपको फंक्शन का बता दिया, इक्वेशन उसकी दे दी है, और आगे लिखा हुआ है देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अगर आपको सेट ऑफ डोमेन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि यार यहाँ पे रेंज निकालो, तो रेंज निकाला कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1, सेट एक्स जो है वो आपको दिया गया है 1 2 3 4, वाई जो है वो आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अप टू 10 तक आपको दिया गया है। और जो फंक्शन है वो आपको बताया गया है कि फंक्शन है यहाँ पे एक्स प्लस वन। अब आपको यहाँ पे निकालनी है रेंज। लास्ट क्लास में बताया था रेंज होती है आउटपुट, कि जब आप फंक्शन में कुछ पुट करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है उसको आप कहते हो रेंज, आउटपुट क्या आया आपके पास। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका इनपुट है ना एक्स, वो यहाँ से होना चाहिए, ये एक्स का सेट है। वर्डिंग अगर आप उसमें देखो तो एक्जैक्टली उन्होंने ये लिखा हुआ है फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन को डिफाइन किया गया और आगे एक चीज लिखी गई है। आगे चीज क्या उन्होंने लिखी है? फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए होता है ना इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, और आगे मेंशन क्या किया हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये चीज लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल को, और ये जो ई स्टाइलस आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को। तो वो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन में आपको जो एक्स नजर आ रहा है ना, ये आपने कहाँ से पुट करना है? ये आपने सेट एक्स से पुट करना है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो एक्स स्मॉल एक्स है, मैंने बताया स्मॉल एक्स इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये जो इनपुट है ये आपका कहाँ से होना चाहिए? इनपुट आपका सेट एक्स से होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं इनको फंक्शन के अंदर पुट करना है। ये आपका इनपुट है, ये आपकी डोमेन, और जो आपको आंसर मिल रहा होगा वो कहलाया जाएगा रेंज, क्या आउटपुट आपको मिला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करो इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले आप 1 पुट करो। ठीक है, इधर एक्स की जगह पे भी आप 1 पुट करोगे। सॉल्व करो, 2 1 2 2 प्लस 1 3, 3 मिल गया आपको। इसी तरह अब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे इनपुट, एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करो, सॉल्व करो, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 5। इसी तरीके से आप 3 पुट करो, आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा 7। इसी तरह आप आखिरी एलिमेंट है सेट एक्स का 4, आप यहाँ पे 4 पुट करो और आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 9। तो ये आपके पास सारे आउटपुट आ गए हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कोडोमेन के बारे में बताया था। कोडोमेन दूसरा सेट हुआ करता था, ये जो वाई है ना ये यहाँ पे कोडोमेन है, और मैंने बताया था कोडोमेन ये होता है कि यहां से आपका आउटपुट आएगा। आप ऑब्जर्व करो, जितने आपके आउटपुट आए हैं ये इसी सेट के अंदर में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको कोई बोले कि रेंज क्या है इसकी, तो आप बोलोगे रेंज है यहाँ पे 5 7 9, ये आपकी रेंज है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डोमेन कोर डोमेन रेंज इनको ऑल टुगेदर देखना चाह रहे हो तो मैपिंग डायग्राम बना लो। यहाँ पे मैपिंग डायग्राम बनाओ, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी मैपिंग डायग्राम के बारे में। मैपिंग डायग्राम में आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको दो सेट पता होने चाहिए। जो उन्होंने पहला सेट लिखा हुआ है एक्स, जिसको आप डोमेन कहते हो, उसके अंदर है 1 2 3 4, और दूसरा सेट जिसको आप कोर डोमेन कहते हो वो है वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन को बताना चाह रहे हो कि जब आपने 1 पुट किया था तो आंसर आपको 3 मिला था, तो आप इसको इससे ज्वाइन करोगे। जब आपने 2 पुट किया था तो आंसर आपको 5 मिला था, आप इससे ज्वाइन करोगे। जब आपने 3 पुट किया था तो आंसर आपको 7 मिला था, आप इससे ज्वाइन करोगे। और जब आपने 4 पुट किया था तो आंसर आपको 9 मिला था। ये मैपिंग डायग्राम जरूरी नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को कि चीजें वर्क कैसे कर रही है। अब अगर आप इस इमेज में देखो तो आपको तीनों चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले डोमेन मतलब इनपुट की बात की जाए तो चार एलिमेंट जो आपके सामने लिखे हैं ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट को। अगर आपसे कोई पूछे को डोमेन यहाँ पे क्या है, को डोमेन जहां से आपको आउटपुट मिलता है, तो ये 9 ये 10 के 10 एलिमेंट जो है ये को डोमेन कहलाए जाएंगे। जो आपका दूसरा सेट होता है वो को डोमेन कहलाता है, पहला सेट डोमेन, दूसरा जो है वो को डोमेन, और तीसरी चीज थी रेंज। रेंज क्या होती है, जहां पे एरो जा रहे हैं, एरो देखो 3 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 7 पे, 9 पे, तो ये क्या चीज होगी आपकी, रेंज होगी। तो ये वाली चीज आपकी है डोमेन, चीज है आपकी कोडोमेन,
ये जो आपके पास आया है रेंज, तो छोटी सी एग्जांपल करवाइए, लेकिन जो लास्ट क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन सबको मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिए। कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जैक्टली बुक के क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर मैं यहाँ पे भी बात बता रहा हूँ दोबारा मुझे एक्सरसाइज में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी के पैटर्न पे कर लेना। लिखा हुआ है इफ फंक्शन एफ, ये नोटेशन लिखी हुई है, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताई थी। कोई स्टूडेंट बता सकता है, ये जो पूरी नोटेशन मैंने लिखी हुई है, अगर आपको कोई कंसिडर कर लो, किसी को नहीं पता फंक्शंस क्या होते हैं, उनको इस एरो एफ इस सब का कुछ नहीं पता, तो आप इस नोटेशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे उनके सामने? क्या क्या चीजें इसमें, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर देंगे? ये जो एक्स है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे है और वाई रेंज को, सही है, वाई मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोडोमेन। प्रॉपर वर्ड ये होगा कि को डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई। हाँ, लेकिन आप आम लैंग्वेज में रेंज भी बोल देते हैं इसको। और ये जो चीज लिखी हुई होती है क्या होती है? फंक्शन का नाम होता है। यहाँ पे फंक्शन का नाम एफ है, अगर मैं यहाँ पे जी लिख दूं इसका मतलब फंक्शन का नाम जी है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छी बात है, पता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इज अ फंक्शन एज शोन इन फिगर 8.5। अच्छा, फिगर 8.5 में आपको फंक्शन उन्होंने दे दिया, अब उन्होंने फंक्शन की इक्वेशन नहीं दी आपको, मैपिंग डायग्राम से उन्होंने बताया था, ये फिगर बनाई हुई उन्होंने सामने। एक्स है यहाँ पे ए बी, वाई है यहाँ पे 1 2, और उन्हें एरो भी लगाए हैं इस तरीके से। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर एक्स ए बी है, वाई 1 2 है, हमें पता है। देन राइट द डोमेन ऑफ फंक्शन, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? फंक्शन की डोमेन। एंड आगे लिखा हुआ है शो दैट को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। मैंने यही बात आपको बोली थी, सबसे पहले अगर आप डोमेन की बात करो तो डोमेन यहाँ पे वही है जो पहला सेट है, पहले सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं, तो डोमेन तो यही है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं को डोमेन बताओ, को डोमेन क्या होता था? दूसरा सेट वाई, वाई के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2। और तीसरी चीज क्या होती है? रेंज। मैंने अभी आप लोगों को बताया रेंज क्या होता है, जिन पे एरो जा रहे होते हैं। अगर आप देखो एरो 1 पे भी जा रहा है, एरो 2 पे भी जा रहा है, इसका मतलब 1 2 दोनों यहाँ पे रेंज है। तो इस सवाल में जो कोर डोमेन है और रेंज जो है वो बराबर है यहाँ, जबकि इस सवाल में कोर डोमेन क्या थी? 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, और रेंज क्या थी? 3 5 7 9। यहाँ पे आपस में इक्वल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कोर डोमेन और रेंज जो है ये आपस में इक्वल है, ये आपको बताना था। सही है, कहीं भी सवाल हो तो पूछ लेना मुझसे, बेसिक बेसिक बातें, इसके मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर। इसके बाद से जो बच्चों सवाल स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो थोड़े समझने वाले हैं, तो बेहतर है अगर आप लोगों के जहन में कुछ और बातें चल रही हैं, किसी के जहन में क्रिकेट चल रही है या कुछ और चल रहा है, तो उसको निकाल दो, गौर से समझो जो बात आने वाली है। आप लोगों के लेवल पे थोड़ी ये मुश्किल बात है, इसलिए गौर से समझ रहे हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला हुआ फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन की बात करो, फंक्शन लिखा हुआ है एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, और उसको डिवाइड करवाया हुआ है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री। ये आपके पास पूरा फंक्शन है, इसको उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, जैसे मल्टीप्लाई करके पूरा देते हैं वैसा नहीं उन्होंने किया हुआ, बस उन्होंने ऐसी फैक्टर बना के ना आपको इस तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया था। और जस्ट आपसे सवाल ये बोला जा रहा है कि आपने इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। अब ये जो बच्चों वाले केसेस थे ना, ये खत्म हो गए। अब आपके पास एक मुश्किल फंक्शन आ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि डोमेन निकालो इसकी। अब जरा गौर से समझना क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। अगर आपको बोले हो, अगर कोई आपको बोले कि यार आपने डोमेन निकालनी है, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहे है कि आप इस फंक्शन में क्या इनपुट कर सकते हो। अगर कोई आपसे बोले कि यार इस फंक्शन की डोमेन निकालो, तो वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्या इनपुट हो सकता है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं ना, नॉर्मल फंक्शन, जैसे आपने कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख लिया आपने, या अगर आपने कोई क्यूबिक फंक्शन देख लिया, ठीक है, ये जो फंक्शन होते हैं ना, इसमें आप हर चीज पुट कर सकते हो। मुझे बताओ इन फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है आपको? आप एक्स की जगह कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? मसला होने का मतलब कि चीज रियल नंबर ही आंसर आ रहा है ना, ये तो नहीं कि आंसर में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इन फंक्शंस में डोमेन आपकी क्या होती है? इन फंक्शंस में आपकी जो डोमेन है ना, वो होती है रियल नंबर। रियल नंबर को थोड़ा स्टाइलिश आर करके लिख रहे होते हैं कि आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो भाई, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी पुट कर दो, कोई मसला नहीं है आप। लेकिन दो किस्म के फंक्शन है जो मसला करते हैं आप लोगों के लेवल पे जो बताया जा रहा है, जिनका
एक फंक्शन है जिनको आप बोलते हो रैशनल, इसका नाम बुक में आया नहीं है लेकिन जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है रैशनल फंक्शन ही है। रैशनल फंक्शन, मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, रैशनल फंक्शन बच्चों वो फंक्शन होता है जो डिवीजन के फॉर्म में होता है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें न्यूमिरेटर भी आपको एक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, पॉलिनोमियल बताया था लास्ट क्लास में, और डिनोमिनेटर में भी आपको पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में आपको पॉलिनोमियल नजर आ रहा होगा, सही है। तो इस फंक्शन को आप कहते हो रैशनल फंक्शन, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो अब इस रैशनल फंक्शन में मसला क्या होता है? इन फंक्शन में तो मैंने आपको बताया कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है आपको, लेकिन रैशनल फंक्शन में ऐसा मसला क्या है? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं रैशनल फंक्शन में इश्यू क्या आता है? कोई मसला, कोई वैल्यूज पुट करने में कोई मसला हो रहा हो? सर, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है शायद इसको। नहीं, ये मसला नहीं है। मसला कहने का मतलब कोई ऐसी वैल्यू पुट करो और आंसर आपके पास कोई फजूल सा आ रहा हो, मतलब तो फजूल मतलब रियल नंबर ना हो, ये मसला कह रहा हूं। हाँ बोलो, हाँ बोल लो बोल लो। सर अगर हम मतलब कोई छोटी वैल्यू पुट कर लें नहीं, नहीं। तो सर जैसे पाए की वैल्यू है अच्छा, लेकिन वो पाई पुट करेंगे तो आप पाई पुट कर लो इसके अंदर, ये हो जाएगा एक्स की जगह पे पाई -2, फिर हो जाएगा पाई -4, फिर हो जाएगा पाई -1, फिर हो जाएगा पाई -3। देखने में अजीब लग रहा है लेकिन इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, रियल नंबर आ रहा होगा, कुछ पॉइंट में वैल्यू आई होगी, ऐसा तो नहीं कि आयोटा आ गया, रियल ही आ रहा होगा ना। देखने में थोड़ा बेहुदा सा लग रहा है हमें, आंसर तो पॉइंट में कुछ रियल नंबर ही आ रहा होगा इसका। मसला मैं बताता हूँ कब होगा। अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे 1 पुट करूं तो क्या आएगा, सोच के बताओ। एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, हाँ, सर फंक्शन अनडिफाइन हो गया क्यों अनडिफाइन का मतलब क्या है, क्यों अनडिफाइन हो रहा है? सर, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 0 आया है। हाँ, रैशनल फंक्शन में मसला यही है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बात क्लियर की थी कि ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, इसको आप इस तरह कह सकते हो, ऊपर मैं ए लिख रहा हूं, ए मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो, ठीक है, सिवाय 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए वो टॉपिक सेकेंडरी का है, लेकिन मैं अगर खाली आपको बोलता ना कि ऊपर कोई भी नंबर होना चाहिए तो क्वेश्चन मेरे पास आ जाता कि सर 0 हो सकता है, तो इसलिए मैंने जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो बता दिया कि 0 ना हो, बाकी कोई भी ऊपर नंबर हो, 2, 3, 5, -1, 8, 10, 1, 2 कुछ भी नंबर हो, और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 0 आ जाए तो ये जो फ्रैक्शन है ना ये फ्रैक्शन अनडिफाइन कहलाती है। इसको आप क्या बोलते हो? अनडिफाइन। अनडिफाइन का क्या मतलब है? अनडिफाइन मैथ के अंदर वो वाली फॉर्म होती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? अगर आप कोशिश करोगे ना डिफाइन करने की तो आप फंस जाओगे इसके अंदर। अब इसको अनडिफाइन हम बोल क्यों रहे हैं? मसला ये है कि अगर ए अपॉन 0 को आप डिफाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर ए अपॉन 0 का आंसर हम कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन 0 कोई आंसर आएगा, कंसिडर कर लो उसका आंसर के आएगा, के कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आप किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो कोई आंसर आता है ना, 1/2 का आंसर क्या आएगा, 0.5, 3/8 का आंसर क्या आएगा, कुछ पॉइंट में कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा ना, उसको हम कहेंगे डिफाइन हुआ वो। तो अगर ए अपॉन 0 को आप डिफाइन करने लगोगे तो मसला क्या होगा? बिलफर्ज आप कहते हो ए अपॉन 0 का आंसर किसी नंबर के बराबर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, फिर आपने मैथ का रूल क्या पढ़ा था कि आप दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई करवा दो, या सिंपल लैंग्वेज में 0 को जाके वहां से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो स्टेटमेंट गलत है, तो बता सकते हैं क्यों गलत है? सर, क्या मिस्टेक है क्योंकि स्टेटमेंट? सर अगर हाँ बोलो, हम 1/0 लें ना, 1/0, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे 0 को ले जाते हैं तो 0 कभी भी इक्वल नहीं आएगा 1 के। चलो तुम वो उसमें समझ गए हो तुम कहना चाह रहे हो। इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह हम समझेंगे कि आपने अभी तक बचपन में पढ़ा है कि जब भी 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में आपको 0 मिलता है। यहां पे देखो 0 उस नंबर के से मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि आंसर में आपको ए मिल रहा है, और ए मैंने बताया यहाँ पे 0 नहीं है, कंसीडर कर लो ए को आप यहाँ पे 2 ले लो, तभी मैंने क्लियर किया था ए यहाँ पे 0 नहीं है, अदर देन कोई भी 0 है। बिल्कुल, ए यहाँ पे 2 है, 2/0 आप कहो किसी नंबर के बराबर है तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 = k/0। भाई 0 से जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट में तो 0 आना चाहिए, तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म को आप डिफाइन ना करो, बेहतर है इससे बच जाओ, क्योंकि अगर आप डिफाइन करने लगे ना खुद ही फंसोगे आप, क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो? तो बेहतर हमने क्या बोला, इसको अनडिफाइन। लेकिन बात यहां तक रुकी नहीं है, इसको बाद में डिफाइन करने की कोशिश की है, वो सेकेंडरी का टॉपिक है, या शायद वो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको बता दूं।
अभी का फिलहाल टॉपिक नहीं, अभी बस आप इतना समझो कि ये फॉर्म जो है ये अनडिफाइंड है। तो कहने का मतलब आप इस फंक्शन में ऐसी वैल्यूज पुट करो जो इसको अनडिफाइन ना करें, ठीक है, ऐसा ना कुछ पुट कर देना कि जो इसको अनडिफाइन कर दे। सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसी वैल्यूज ना पुट कर देना जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसकी डोमेन कैसे निकालोगे, डोमेन लिखने का तरीका क्या होगा, आप इस तरह लिखोगे इसकी डोमेन कि इसकी डोमेन है सब रियल नंबर सिवाय, आपने माइनस करने हैं वो नंबर्स जो मसला कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर को, जो इसके डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, अगर आप यहां पे वन पुट करोगे तब भी आपका डिनोमिनेटर जीरो, थ्री पुट करोगे तब भी आपका डिनोमिनेटर जीरो। तो इस जो मैंने फॉर्म लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बच्चों रियल नंबर एक सेट है ना पूरा, तो उस रियल नंबर के पूरे सेट में से आपको कौन कौन से नंबर्स निकालने हैं, आपको वन और थ्री निकालने हैं। तो अगर रियल नंबर के पूरे सेट में से आप वन और थ्री को निकाल दोगे, पीछे जो भी नंबर्स बचेंगे वो आप इस फंक्शन में पुट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वन और थ्री नहीं पुट करना आपने, क्योंकि वन और थ्री पुट किया तो फिर मसला हो जाएगा। सबको समझ आया कि किस तरीके सवाल सॉल्व हुआ है? यस सर। अच्छा जी, अब देखो पेपर में सवाल है ना, तो आपने इस तरह नहीं लिखना, थोड़ी वर्किंग शो करनी है। वो वर्किंग में बता रहा हूँ किस तरह करोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने वर्किंग शो करनी है, जो कि मैं नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वर्किंग ये होगी कि जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, उसको आपने जीरो के बराबर रख के चेक करना है कि किस किस वैल्यूज पे आंसर जीरो आ रहा है, जो कि आपने डायरेक्ट निकालनी है, लेकिन आप मैथमेटिकल स्टेप्स आपने दिखाने हैं कि सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है ना, आपने उसको जीरो के बराबर रखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था, जब दो चीजें जीरो के बराबर हो तो आप क्या करते हो, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखते हो। तो यहां से आपकी पास वैल्यू आएगी वन, ठीक है, और यहां से वैल्यू आएगी थ्री। ये लिखने के बाद उसके बाद आप लिखोगे डोमेन रियल नंबर है माइनस वन और थ्री के, मतलब वन और थ्री इसके डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं, तो भाई रियल नंबर में से वन और थ्री को आपने निकालना है। न्यूमिरेटर को जो जीरो करे कोई इशू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें टू पुट कर सकते हो। जब आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पे टू पुट करोगे ना, यहाँ पे भी टू आएगा, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, तो बाकी तीन फैक्टर का तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे जब टू पुट करोगे जीरो हो जाएगा, जब न्यूमिरेटर में जीरो हो तो आपकी पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, बराबर। तो जीरो तो रियल नंबर है, हमें कोई इशू नहीं है, मसला है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो बस आपका। उसके लिए आपको डोमेन इस तरीके से आप निकालोगे। ये करेक्ट तरीका है, जब भी आपके पास रैशनल आए तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सही है बच्चों? अच्छा सर, एक सवाल है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? ये बंदा कौन है? अच्छा तुम चलो फिर सही है, ये मैंने कहा कोई पुराना स्टूडेंट मेरा कह रहा है। ये एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व नहीं करवाई मैंने, 8.1 से पहले के टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा बुक ने ना एक और सिंबल में लिखा हुआ है इसको, इसी चीज को जो मैंने इस तरह लिखवाया है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैथ सीखनी है तो फिर आपको सीखनी पड़ेंगी सारी चीजें। बुक ने इसको ना इस तरह डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ उन्होंने, एक्स, ये सिंबल लिखे हुए सारे, एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन और थ्री, इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अभी वही चीज है जो मैंने ऊपर सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने इसको घुमा घुमा के लिखा है। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये बच्चों सेट के टॉपिक हैं, अगर आपने मैट्रिक में सेट पढ़ा हो ध्यान से तो आपको सब सिंबल्स याद होंगे। इनको पढ़ने का तरीका ये है कि जो डोमेन है ना, उन्होंने बोला है कि डोमेन मतलब इनपुट है ना, तो इनपुट को आप एक सेट के अंदर लिखोगे। जैसे ये आपका इनपुट था, आपने एक सेट की फॉर्म में इसको लिखा था, तो कंसिडर कर लो ये डोमेन ऑफ एफ है, इस फंक्शन की डोमेन है, आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। ये उन्होंने पूरा सेट बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, अगर तो डोमेन के अंदर पांच एलिमेंट है ना, तो आप लिस्ट बना के इस तरह लिख देते हो कि यार ये फलां पांच एलिमेंट्स है। अगर 10 एलिमेंट है आप लिख दोगे। अब डोमेन के अंदर इतने ज्यादा एलिमेंट है, रियल नंबर इतना बड़ा सेट है, आप उसको लिस्ट बना के तो नहीं लिख सकते ना, वन टू इस तरह तो नहीं आप लिख पाओगे, तो फिर आप उसको जनरल फॉर्म में लिखते हो। ये उन्होंने पूरा जनरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट की ना एक सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, जो सेट सिंबल के जरिए से आप पूरा रिप्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने कैसे लिखा हुआ, उन्होंने बोला है कि यार इस सेट के अंदर ना जो एलिमेंट है वो एक्स है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना वो एक्स एलिमेंट है। अब एक्स एलिमेंट एक भी हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट को भी उन्होंने एक्स बोला है, या ज्यादा एलिमेंट को भी आप कह सकते हो, ठीक है। उनकी खासियत क्या है, असल बात क्या है, वो बताना चाह रहे हैं कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना उनकी खासियत क्या है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसी को पता है किसको कहते हैं? सर आई थिंक सच दैट। हाँ एक्सीलेंट, ये सिंबल होता है सच दैट का,
और ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। अब पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो एक्स के बराबर है। अब एक्स के बारे में बताया जा रहा है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि जो एक्स है ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन और थ्री, कि जो एक्स है वो रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन रियल नंबर के अंदर वन और थ्री भी आते हैं, तो उन्होंने साथ मेंशन कर दिया एंड एक्स वन और थ्री के बराबर नहीं है लेकिन वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो चीज मैंने ऊपर इस तरीके से लिखी थी। सही है, तो लिखने का तरीका है बात एक ही है। सही है, तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फोर पे, लेकिन उससे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फाइव करवा रहा हूँ ताकि डोमेन का टॉपिक खत्म हो जाए, आप लोग सीख जाओ बातें। एग्जाम्पल नंबर फाइव लिखा हुआ क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। आपको ये फंक्शन दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसकी आप डोमेन निकालो। यहाँ पे ये सवाल गौर से समझ लो क्योंकि यही सवाल एक्सरसाइज में, तो हम मैं जाहिर सी बात है जब बच्चा बुक को पढ़ेगा तो वो बुक पढ़ेगा तो एग्जाम्पल्स आएंगे ना, पहले एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करोगे, तो मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, ये अगर कर लो तो एक्सरसाइज आपकी आसानी से निकल जाएगी, तो इनको समझ लो, 8.1 कुछ नहीं होगी आपके लिए। ये आपको फंक्शन दिया गया है, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था ये फंक्शन जो है ये क्या फंक्शन कहलाता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था रैशनल नंबर की कमजोरी क्या है कि उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, इसी तरीके से जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसकी कमजोरी क्या है, इसमें माइनस नहीं आ सकता। एक्सीलेंट भाई, इसके अंदर माइनस नहीं आ सकता क्योंकि अगर इसके अंदर माइनस आ गया तो आप रियल नंबर से बाहर निकल जाओगे, आप इमेजिनरी में चले जाओगे, कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे, तो कहने का मतलब यह है कि आप इसके अंदर माइनस नहीं ला सकते, मतलब आप इसमें इनपुट जो आपकी मर्जी है पुट कर दो, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं पुट कर देना कि इसके अंदर नेगेटिव हो जाए, बाकी आपकी मर्जी कुछ भी पुट कर दो। जैसे अगर मैं इसके अंदर एक्स की जगह -10 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, -10 + 9 क्योंकि -1 के बराबर होता है, -1 आ गया, इसके अंदर मसला हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं पुट करना जिससे आपका आंसर, ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो आपको वो नंबर्स निकालने हैं, या इसको इस तरह समझो कि आप यहाँ पे तो नंबर्स आपके एक या दो नंबर्स मसला करते थे ना, तो आप उनको रियल नंबर में से निकाल दिया करते थे, दो नंबर है तीन नंबर मसला करेंगे, यहाँ पे दो तीन नंबर मसला नहीं करते, इनफाइनाइट नंबर मसला करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी नंबर -9 से छोटा है वो इसको मसला करेगा। -9 से छोटा होने का मतलब क्या है, कंसिडर कर लो ये जीरो है, यहाँ पे कहीं -9 आ रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है। अब -9 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो आप पुट नहीं कर सकते, -9 से छोटे नंबर -10 -11 -12 -13, और ये मैं तो इंटीजर बता रहा हूँ, पॉइंट में भी आप कंसिडर कर सकते हो, -10.5 -11.2 -12.8। कहने का मतलब -9 से जितने भी छोटे नंबर यहाँ पे पुट करोगे ये चीज नेगेटिव हो जाएगी और मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक दो नंबर नहीं है जिनको आपने रियल नंबर में से निकालना है, यहाँ पे तो -9 से छोटे जितने भी नंबर है वो सब मसला कर रहे हैं। तो अब हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे बेहतर फॉर्म क्या है, जो नंबर आप पुट कर सकते हो ना, -9 से छोटे आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते इसके अंदर, तो आप क्या बोलो, आप बोलो कि यार इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है -9 से ग्रेटर सारे नंबर, इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। पहले आप डोमेन में रियल नंबर लिखते थे और उसको माइनस कर दिया करते थे जो नंबर मसला करते थे एक दो, लेकिन अब नंबर बहुत ज्यादा मसला कर रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, आप डोमेन में वो नंबर लिखोगे जो अलाउड है, कौन से नंबर अलाउड है, जो -9 से ग्रेटर है, दैट्स इट, आप इसको इस तरह डिफाइन करोगे। सही है, तो अब यहाँ पे डोमेन क्या लिखोगे, आप लिखोगे डोमेन क्या है यहाँ पे, अब उसके लिखने के दो तरीके मैं बताऊंगा। डोमेन एक्स से रिप्रेजेंट करते हो ना आप, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9, आप -9 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट कर लो, -8 -7 -6 करते करते 0 पॉजिटिव कुछ भी आप पुट कर दो, कोई इशू नहीं होगा, और इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब -9 भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि जब आप -9 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो 0 अलाउड है, 0 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब -9 पुट कर सकते हो या -9 से ग्रेटर कुछ पुट कर सकते हो उसके अंदर। सही है, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, समझ आइए मेरी बात सबको यहाँ पे। यस सर, एक्सीलेंट बात है भाई। फिर तो अब अगेन ये तो मैंने ऑब्जर्व करके बताया ना, इसका मैथमेटिकल स्टेप्स क्या है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो जरा मैथमेटिकल स्टेप्स आप देखो, मैथमेटिकल स्टेप्स ऑब्वियसली आपने पहले लिखना है, आप हमेशा जब भी स्क्वायर रूट आएगा ना तो आपने क्या करना होगा, डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना उसको रखोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के,
क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, ये पूरी चीज या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, नेगेटिव नहीं हो सकती भाई। तो आपने क्या लिखा, x प्लस नाइन या तो ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब पॉजिटिव, या इक्वल टू जीरो होगा। और अब आप x निकालोगे, ऐसे कौन से x हैं जो इस बात को सेटिस्फाई कर, तो कैसे x निकालोगे, नाइन को उधर ले जाओ, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस नाइन। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे डोमेन क्या है इसकी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस नाइन, माइनस नाइन पुट कर लो या माइनस नाइन से ग्रेटर पुट कर लो, अलाउड है, आपको कोई इशू नहीं है, बस माइनस नाइन से छोटा कुछ नहीं पुट कर सकते, वो मसला हो जाएगा। सही है, इसकी जो दूसरी नोटेशन है ना जरा उसको हम समझते हैं। अब वो आप लोगों की बुक में इन्होंने ऐसे मेंशन की भी नहीं है, लेकिन आंसर में शायद मेंशन है या कहीं आपको काम आएगा, तो बेहतर है सीख लो, अभी से सीख लोगे तो आसानी हो जाएगी आपको। एग्जैक्टली यही टॉपिक है, कोई हटके मैं नहीं आप लोगों को बता रहा, उसको समझने के लिए ना 2 मिनट आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा जो मैं बताने लगा हूँ। ये जो लाइन मैंने आप लोगों को बनाई थी ना, इस लाइन का एक नाम होता है, इसको क्या कहते हैं हम, नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, जिसके ऊपर सारे रियल नंबर आते हैं, कि जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और रियल नंबर को आप हल्का मत जानो, रियल नंबर बहुत बड़ा इनफाइनाइट है। आप ये समझ लो कि जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते जाओ बढ़ते जाएंगे, और रियल नंबर भी इनफाइनाइट है। लेकिन नेचुरल नंबर की इनफाइनाइट होना और रियल नंबर का इनफाइनाइट होना, ये बहुत अलग बात है। क्यों, अगर आप कोई दो नेचुरल नंबर उठाते हो ना, जैसे नेचुरल नंबर है 1 और 2, ये दो नेचुरल नंबर है, इस दो नेचुरल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर है, सिर्फ इन दो नेचुरल नंबर के दरमियान। आप बनाते जाओ बैठ के, फॉर एग्जाम्पल आप लिखो 1.01, फिर लिखो 1.001, 1.0001 करते जाओ, ये सब रियल नंबर है, रियल नंबर दिए ना सारे के सारे, फिर आप लिखो 1.1, फिर लिखो 1.11, फिर लिखो 1.11, और ये सिलसिला आप कितनी देर तक चला सकते हो, आप खुश हो सकते हो, मैं ऐसी पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ। तो रियल नंबर जो है ना वो इनफाइनाइट है, लेकिन बहुत बड़े इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर के दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो सोचो उनका लेवल क्या है रियल नंबर का। ठीक है, तो हम उसको इस तरह नंबर लाइन में लिख रहे होते हैं कि जीरो के बाद सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो से पहले सारे नेगेटिव नंबर। अब आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, आपका सॉल्यूशन ये था कि जो माइनस नाइन है ना, इससे ग्रेटर सारे नंबर, तो माइनस नाइन से ग्रेटर सारे नंबर इस तरफ है, माइनस नाइन से सारे ग्रेटर नंबर इस तरफ होंगे। ठीक है, और माइनस नाइन इसमें शामिल है, आप माइनस नाइन पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब माइनस नाइन पे ना मैं इस टाइप के डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि माइनस नाइन भी शामिल है, माइनस नाइन भी शामिल है, और माइनस नाइन से ग्रेटर सारे नंबर जो है वो शामिल है। तो ये जो आपका डोमेन आपकी आई है, इसको नंबर लाइन में भी आप इस तरह लिख सकते हो। या एक और चीज जो मैं असल में आप लोगों को बतानी है, वो क्या है कि आप ब्रैकेट के जरिए से बातों को डिफाइन करो। ब्रैकेट के जरिए से डिफाइन करने का तरीका, आप इसको इस तरह लिखो, ये जो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे आप लिखते हो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल सबने देखा है ना, देखा वही होगा आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब आप जब जीरो के पास जाते जाओ बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर आता जाएगा। इसी तरह जीरो के जब इधर आते जाओगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे आप चले जाओगे। ठीक है, तो आपकी डोमेन क्या थी, माइनस नाइन से लेके इन्फिनिटी तक जितना आप जाना चाह रहे हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, माइनस नाइन कॉमा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, माइनस नाइन से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका मतलब होगा। तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा है, ब्रैकेट के अंदर लिखो माइनस नाइन जहां से आपने स्टार्ट होना है, और एंड कहां पे होना है, एंड कोई भी नहीं है, इनफाइनाइट कोई नंबर तो नहीं है ना इन्फिनिटी, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत बड़ा नंबर, वो क्या होगा हमें नहीं पता। तो माइनस नाइन से इन्फिनिटी जितने भी नंबर आएंगे वो सब इसके अंदर क्या है, डोमेन है। ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब वो चीज शामिल नहीं है, जैसे माइनस नाइन यहाँ पे शामिल है ना, तो आप माइनस नाइन पे राउंड ब्रैकेट को हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो नंबर शामिल है, माइनस नाइन यहाँ पे शामिल है ना, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। बिलफर्ज अगर किसी सवाल में ये सॉल्यूशन होता, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस नाइन, इक्वालिटी नहीं होती, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी है, तो फिर मैं इस तरह लिखता माइनस नाइन से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे माइनस नाइन शामिल नहीं है, तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाता। माइनस नाइन यहाँ पे शामिल है तो मैंने यहाँ पे क्या लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। और याद रखो इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट ही लगेगी, क्योंकि इन्फिनिटी को नंबर नहीं है ना जिसको आप शामिल करो या ना शामिल करो, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो हमेशा इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगेगी। तो कहने का मतलब डोमेन को लिखने का एक तरीका ये भी है, जो कि बहुत साफ सुथरा तरीका है। टॉपिक बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है,
मुझे लगता है कि शायद आप लोग कोई कंफ्यूज हो, तो जो बच्चा जिस भी पॉइंट में कंफ्यूज है मुझे बता दे, मैं उसका वो हल कर दूं मसला। अच्छा, जिनको समझ आ गई वो जरा माइक्रोफोन के बताएं, सर आ गई समझ सब चीजें? सर क्लियर है सर? आ रहा है आगे। समझ? चलो फिर तो अच्छी बात है, मसला अगर सबने समझ लिया तो। ये डोमेन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा दो फंक्शन मसला कर रहे होते हैं, एक रैशनल, रैशनल में क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर को जीरो रखना है, जो वैल्यूज मसला कर रही हैं उनको रियल नंबर में से निकाल देना। स्क्वायर रूट में आपने क्या देखा, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखना है, जो वैल्यूज आ रही है वो आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें निकालना निकालना नहीं होता कुछ, यही आपका सॉल्यूशन है। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, अलाउड है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बुक वालों ने ना इनको इस तरह लिखा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है ना, नहीं इस वाले केस में नहीं लिखा होगा, वो फिर बताऊंगा। बुक वालों ने तो इसी तरह लिखा हुआ है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। ठीक है, तो आप चाहो तो बुक वाली लैंग्वेज में इस तरह लिख सकते हो कि आप बोलो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। ठीक है, और शुरू में यहाँ पे मेंशन कर दो कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे इसमें एक ऑलरेडी इंप्लाइड है इसके अंदर कि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन मजीद अगर आप थोड़ा डिफाइन करना चाह रहे हो बुक वालों की तरह, तो आप लिख दो कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, और रियल नंबर तो बहुत ज्यादा है, आप किन की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो जो -9 से ग्रेटर है या -9 के बराबर है, तो ये एक्स्ट्रा काम कर दो तो और मजीद अच्छी बात हो जाएगी। इस नोटेशन में ये एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, इस नोटेशन का तो बाई डिफॉल्ट मतलब ये कि रियल नंबर की बात की जा रही है। ब्रैकेट वाली नोटेशन में कहीं नहीं लिखा जाएगा कि इंटीजर की बात की जा रही है या होल की बात की जा रही है, -9 से इन्फिनिटी के सारे रियल नंबर बात की जा रही होती है, तो इसमें तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस वाली नोटेशन में चाहो तो आप ये मेंशन कर दो, तो मजीद आपकी बात अच्छी हो जाएगी। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट था, मुश्किल टॉपिक था आज की क्लास का, अगर आपको ये समझ आ गया ना, अब आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होने वाला। तो डोमेन का टॉपिक तो बच्चों देख लिया, अब आ जाओ रेंज के ऊपर कि अगर आपको किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है। ये थोड़ा ट्रिकी काम है, लेकिन शुरू में अगर आप ट्रिक जान लो ना तो फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा ये। और वो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि एक फंक्शन है, बहुत दफा आप लोगों को बताया इसके बारे में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको बोला हुआ है इस फंक्शन की रेंज निकालो। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट क्या आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, वाई जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है रेंज को। ठीक है, अच्छा अब आपसे अगर कोई बोलेगा कि रेंज निकालो इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। अब सबसे पहले आपने देखा था इसकी डोमेन क्या, अगर डोमेन निकालने को बोला नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी डोमेन क्या है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसकी डोमेन रियल नंबर है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, इस फंक्शन में क्या मसला होगा, ये कोई स्क्वायर रूट नहीं है, रैशनल नहीं है, आप कुछ भी पुट कर लो कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया डोमेन। रेंज क्या है, रेंज ये है कि आप यहाँ पे जब कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएंगे ना, तो वो आंसर का पूरा सेट आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव रियल नंबर पुट करूंगा, मेरे पास कुछ वाई वैल्यूज आ रही होंगी ना, तो मैं पॉजिटिव रियल नंबर पुट करूंगा तो मेरे पास वाई वैल्यूज आ रही होंगी कुछ, इसी तरह मैं नेगेटिव रियल नंबर पुट करूंगा तो वाई वैल्यूज आ रही होंगी, मैं जीरो पुट करूंगा तो वाई वैल्यू मेरे पास आएगी। कहने का मतलब ये जो पूरी वाई वैल्यूज आ रही है, ये जो पूरा आउटपुट है, इसको पूरे सेट के अंदर आपने बताना है कि ये आउटपुट क्या होगा आपके पास। ये जरा बेसिक बात समझ आई कि रेंज में क्या निकालना चाह रहे हो आप। यस सर। अब देखो, इसके निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है थोड़ा एडवांस लेवल का, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू के, असल तरीका वही होता है वैसे। ठीक है, ये जो तरीका है ये कुछ फंक्शंस पे काम कर जाता है, इजी फंक्शन मुश्किल फंक्शन में आप फंस जाते हो, लेकिन आप लोगों के लेवल पे बुक वालों ने तो खैर ये इस तरीके को भी इतना सिंप्लीफाई कर दिया और कितने सवालों के आंसर गलत बता दिए, तो वो बुक वालों को तो खैर छोड़ दो, उन्होंने ये मिस्टेक्स की हुई है यहाँ पे। मैं आपको जो बेसिक बच्चों वाला तरीका ना वो बता रहा हूँ, एडवांस लेवल का तरीका अगर किसी को समझना हो तो मुझे प्राइवेटली कॉन्टेक्ट करना, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, मैं सेंड कर दूंगा अगर आपको शौक हो, लेकिन बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए अगर आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोगों ने किस तरीके से करा, वो ये है कि आप फंक्शन को ऑब्जर्व करो और देखो कि यार इसके अंदर वाई वैल्यूज आपके पास क्या आ सकती है, ऑब्जर्व करके आप देखोगे कैसे। जैसे अगर आप इस फंक्शन को देखो, फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप एक मोटी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखो, मोटी ऑब्जर्वेशन मतलब जो दिखने में आपको नजर आ रही है कि यार वाई का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। आप इस बात को ऑब्जर्व करो, थोड़ा सोचो क्या वाई नेगेटिव हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव,
भाई यहाँ पे आप x की जगह कुछ पॉजिटिव पुट कर दो, x की जगह कुछ नेगेटिव पुट कर दो, जब स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। आज हमने क्या सीखा, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसको आप लिख दो, जो रिजल्ट आया इसको लिखो कि सिंस फंक्शन, या आप इस तरह कह लो y वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन से आप इसकी रेंज पूरी लिखोगे। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहां पे सबको नजर आएगी कि यार y का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप x कुछ भी पुट कर दो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे आपको दिखने में क्या लग रहा है, अभी तक आपको दिखने में लग रहा है कि जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो इसका आंसर है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो इसकी आउटपुट है। देखने में आपको यही लग रहा है ना कि जो इसके आंसर आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो कुछ अच्छा देखो, एक यहाँ पे डिवीजन होती है, कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने बनाऊं, कंसीडर करो ये एग्जांपल भी आप लोगों की कोई बुक में है। अगर आप इस फंक्शंस को देखो, कंसीडर कर लो ये वैल्यू जो है ये वन है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज 8.1 का सवाल भी है, ये वैल्यू वन है इसकी। अब देखो अगर आप ग्राफ आपके सामने आ रहे ना, ग्राफ में देख के आप आसानी से डोमेन रेंज बता सकते हो कैसे। अगर आप डोमेन बताना चाह रहे हो तो आप देखो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आपका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी है, आपका ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी है, इसका मतलब इसके डोमेन सब रियल नंबर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेंज निकालना चाह रहे हो तो आप देखो आपका ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। सबसे पहली बात देखो, आपका ग्राफ नीचे नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव वाई पे नहीं है आपका ग्राफ, आपका ग्राफ पॉजिटिव वाई के ऊपर ही है, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव के भी अंदर आपको आंसर जो मिल रहा है वो वन से ग्रेटर नहीं मिल रहा, आपका ग्राफ वन से नीचे नीचे ही है, वन से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब पॉजिटिव तो मिल रहा है आपको आंसर, लेकिन अगर आप मजीद उसको देखो कि आपको आंसर वन से ग्रेटर भी नहीं मिल रहा, आपको आंसर मैक्सिमम वन मिल रहा है या वन से नीचे नीचे है जीरो तक, ये पॉइंट जो है जीरो होता है ना, आपको आंसर जीरो और वन के दरमियान मिल रहा है। तो अगर मैं आंसर में लिखूंगा आर पॉजिटिव तो ये बात सही समझी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने बहुत ही जनरलाइज बात कर दी है कि पॉजिटिव रियल नंबर, भाई पॉजिटिव तो टू भी है, पॉजिटिव तो थ्री भी है, क्या वो मिल रहा है, नहीं। तो पॉजिटिव रियल नंबर के बाद मुझे थोड़ा डिटेल में भी बताना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव रियल नंबर कौन कौन से, तो फिर मैं क्या बोलूंगा जीरो से लेके वन, जो अभी मैंने आप लोगों को नोटेशन सिखाई थी ना, ब्रैकेट में कैसे लिखोगे जीरो से लेके वन, कि पॉजिटिव रियल नंबर तो मिल रहे हैं लेकिन कौन से पॉजिटिव, जीरो और वन के दरमियान, दैट्स इट, वन से ग्रेटर नहीं मिल रहा, जीरो से छोटा नहीं मिल रहा। उसके बाद देखो क्या जीरो मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा, जीरो उस वक्त मिलता जब आपका ये फंक्शन ना एक्स एक्सिस पे जाके मिल जाता, अब आपको जीरो मिलता इस तरह, ये आपका फंक्शन मिलेगा नहीं, याद रखना इसके कॉन्सेप्ट में फिर कभी बताऊंगा, ये फंक्शन आपको कभी मिलेगा नहीं एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा, आपका फंक्शन जीरो से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और वन आपको मिल रहा है, वन बिल्कुल मिल रहा है, अगर आपका देखो ग्राफ आपका वन से पास कर रहा है, तो आप इसको इस तरह लिखोगे, वन के पे ऊपर लगाओगे आप स्क्वायर ब्रैकेट और जीरो पे लगाओगे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये मैं भी इसका नहीं समझा रहा, मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि बात आपको क्लियर हो कि दो किस्म की बात होगी, एक तो पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन आपको उसमें भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव रियल नंबर कौन कौन से। तो आपने बताया जीरो से लेके वन, जिसमें वन शामिल है और जीरो शामिल नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जरा हम लेकर आते हैं, हमने बेसिक ऑब्जर्वेशन से ये बात तो मालूम कर ली कि इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या हमें सारे पॉजिटिव मिल रहे रियल नंबर या कुछ पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे, अब ये कैसे पता चलेगा, अगेन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से आप मालूम कर सकते हो कैसे। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं वन पुट करूंगा तो आंसर मुझे वन मिलेगा, मैं टू पुट करूंगा आंसर फोर मिलेगा, मैं थ्री पुट करूंगा नाइन मिलेगा, मैं नंबर जैसे ही बड़ा करता जा रहा हूँ आंसर भी मुझे बड़े मिलते जा रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन, अच्छा अगर कोई दरमियान का नंबर पुट करोगे, जैसे वन पुट करने पे आंसर आपको मिल रहा है वन, टू पुट करने पे आंसर मिल रहा है फोर, तो बिल्फर्ज अगर आप यहाँ पे 1.5 पुट करोगे तो आंसर वन और फोर के दरमियान कुछ आपको मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब आपको आंसर यहाँ पे सभी मिल रहे हैं, आप अगर यहाँ पे x की जगह 3 पुट करो तो 9 मिलेगा, 4 पुट करो 16, तो आपको सारी आंसर मिलते जा रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है कि सारे पॉजिटिव ही आंसर आ रहे होंगे इसमें, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आपको दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, आपको लग रहा कि यार 1 से ग्रेटर कुछ नहीं आ रहा, सब नंबर मिल रहे हैं आपको, 1, 4, 9, 10 सब नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आप मालूम करोगे कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे रेंज है, आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मिल सकता है, डिपेंड करता है आप जैसे एक्स पुट करते जाओगे आपको सारी वाई वैल्यू, सारे पॉजिटिव रियल नंबर आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे।
तो इसकी रेंज आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, सारे रियल नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये आपने ऑब्जर्व किया। दूसरा बेस्ट तरीका, अगर आपको इसका ग्राफ पता हो, किसी को यहाँ पे ग्राफ पता है इसका, एक्स स्क्वायर का? मैं बताता हूँ, ये एक्स स्क्वायर ग्राफ इस टाइप का होता है। अगर आपको ग्राफ पता है तो आप आसानी से देख सकते हो कि आपका ग्राफ जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, और देखो सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी, ये ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं कहीं, सब पॉजिटिव आपको मिलता जाएगा। तो ग्राफ से भी आप देख के बता सकते हो आउटपुट क्या होता है, रेंज होती है ना वाई वैल्यू। अगर आप देखो आपका ग्राफ ये पॉजिटिव वाई पे है, पूरा नेगेटिव वाई पे नहीं है, आपका पॉजिटिव पे ही है, ठीक है? तो एक तो हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, और फिर आप चेक करो क्या जीरो शामिल है, बिल्कुल जीरो शामिल है। अगर आप एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो आपको वाई वैल्यू भी जीरो मिलेगी, और ग्राफ में भी आप देख के बता सकते हो आपको वाई वैल्यू जीरो मिल रही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, साथ साथ आपको यूनियन का मतलब कि एक पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है और एक जीरो आ रहा है। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखो तो ये पूरे आपके फंक्शन की रेंज बनेगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको दूसरे अंदाज में लिखो तो आप इस तरह लिखोगे कि जो वाई आउटपुट है वाई, वो आपको या तो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा मतलब पॉजिटिव मिलेगा, या आपको जीरो के बराबर मिलेगा। इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, तो भी एक ही बात है। इस नोटेशन में मैंने क्या बताया था, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक सब पॉजिटिव सब मिलेंगे आपको, और जीरो भी मिलेगा, तो जीरो पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी। ये तीनों एक ही चीज है, बात को तीन तरीके से लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, आपकी मर्जी जो नोटेशन लिखना चाहो लिख दो, सही है? ये मैंने समझा दिया, मैं अभी स्टेप लिखवाऊंगा कि स्टेप्स में आपने किस तरह बताना है। कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया यहाँ पे? यस सर। हाँ ना, बोल दिया करो, असल में टॉपिक थोड़े इजी नहीं है, ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ करता था, तो तभी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बता रहा हूँ, कोई मसला हो रहा है तो मैं उसको दोबारा चीज बताता हूँ। तो अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। तो पहली बात तो आपने लिखी थी कि वाई वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसके बाद आप लिखो कि वाई वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो, वाई वैल्यूज विल ऑलवेज, थोड़ा अच्छा जुमला लिख देना कि वाई वैल्यूज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, इस तरह लिख देना, ठीक है? तो ये आपने दो ऑब्जर्वेशन देखी कि वाई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं इसको इस तरह लिख लेंगे, इसको जुमले को छोड़ दो, आप इसको उस फॉर्म में लिख दो कि वाई वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो के बराबर होगी, बस आप पहला जुमला लिखो यहाँ पे, मजीद आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप बस जुमला लिख दो कि वाई वैल्यू आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इस फंक्शन के अंदर। तो लिखने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, वाई वैल्यू आपकी कभी नेगेटिव नहीं है, तो वाई वैल्यू क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो के बराबर होगी, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे पॉजिटिव आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 और 5 के दरमियान पॉजिटिव मिल रहे हैं, सारे आपको मिल रहे हैं। तो आप लिखोगे वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये आपकी यहाँ पे रेंज है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दो कि रेंज ऑफ एफ क्या होगा यहाँ पे, अब इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, रियल पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो, इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई मीन्स जो आपका आउटपुट है, और इस तरह भी लिख सकते हो कि जो आपकी रेंज है वो किसके बराबर होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो जीरो से लेके सारे पॉजिटिव नंबर जिसमें जीरो भी शामिल है। तीनों तरीके से बात लिखी जा सकती है, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी लिखो इसको। सही है बच्चों? बुक वालों ने किस तरीके से लिखा हुआ है, बुक वालों ने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। आखिरी एग्जाम्पल है, नहीं, एग्जाम्पल 6 है, उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर आप देखो तो एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको उसकी डोमेन भी निकालनी है, आपको उसकी रेंज भी निकालनी है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल नंबर 7 है, इस टाइप के सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, मैं चलो एक्सरसाइज में ही करवा दूंगा इसको, ठीक है? तो आखिरी एग्जाम्पल हम करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोली हुई, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x2 - 4, और आपको क्या बोला हुआ है, इसकी डोमेन भी निकालो, इसकी रेंज भी निकालो, मतलब दोनों काम करने हैं आपको यहाँ पे। डोमेन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है, सही है? डोमेन के लिए आप क्या करते थे, क्या करते थे डोमेन के लिए भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। हाँ,
एक्सीलेंट भाई, हम क्या करते थे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको हम रखते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के, ये करते थे। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जरा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फोर को उधर ले जाओ, फोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिचुएशन बनेगी। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आप लोग पढ़ोगे ना, सेकेंड ईयर में आप लोगों का कोर्स चेंज होगा, मजीद टफ आएगा। आप लोग से पहले जो बच्चे ना जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं, उनको ये बातें सॉल्व करनी नहीं आती। पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बुक्स के अंदर इसको सॉल्व करने का तरीका पता ही नहीं था। तो आप लोग जो बात पढ़ने लगे हो ना फर्स्ट ईयर के अंदर, वो पहले इंटर का बच्चा पढ़ता ही नहीं था, वो यूनिवर्सिटी में जाके बातें पढ़ता था। सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पंजाब बोर्ड में तो है ये, सिंध बोर्ड में होता था पहले। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में बात पढ़ रहे हो, उसका मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं इसको थोड़ा आसान कर दूँ, सही है। तो यहाँ पे मैं हर चीज की रीजन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज की रीजन बताऊंगा फंस जाओगे आप लोग, बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी जहन में, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं पहले से, अगर किसी को शौक हो तो वो सीख सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं वो बात बताऊंगा जो एक बेसिक सा बच्चा याद कर ले इसको, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके सॉल्यूशन। बुक वालों ने ना इसके बाद डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया, डिफाइन नहीं किया हुआ, क्यों हमने लिखा है इस तरह उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं एक दो स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और फिर आप लोगों को निशानी बता रहा हूँ कि इसको किस तरह सॉल्व करना। ये जो सिंपल लीनियर इनक्वालिटी होती थी ना, लीनियर का मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी होता था। आप माइनस फोर को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा करता था। लेकिन ये जो स्क्वायर वाली होती है ना, ये मसला करती है। तो मसला कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना, जब आप स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत अरसे पहले एक चीज बताई थी कि ये जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है ना, ये इसके बराबर होता है। ये बात बताऊं या ना बताऊं आप लोगों को, चलो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं बहुत अरसे पहले बताई थी, किसी को याद है जब मैंने बात बताई थी? ये तो चैप्टर वन या टू में बताई थी मैंने, वन में बताई थी मैंने, सर रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आप लोगों को। वन चैप्टर में जाओगे ना, जब मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, वहां पे मैंने रीजन भी बताई थी कहां से आएगी। अगर किसी को रीजन नहीं भी पता, याद कर लो इसको, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। कि जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो आंसर में मॉड एक्स आते हैं। ये जो मॉड है ना, ये वही मॉड है जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे, कि अगर फाइव होगा तो आंसर फाइव आएगा, और अगर नेगेटिव फाइव होगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो याद करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इसकी जगह पे आंसर क्या आ जाएगा, मॉड एक्स। और रूट फोर तो आपको पता है, यहां तक आप पहुंच जाओगे, कोई मुश्किल चीज मैंने नहीं बताई अभी, कंफ्यूज ना हो, यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक आखिरी स्टेप करना है जिससे आपके पास आंसर आएगा। उस आंसर को कैसे लिखोगे, देखो दो किस्म की सिचुएशन आएंगी, दोनों बता रहा हूँ किस तरह लिखनी है। एक सिचुएशन आपकी ये आएगी कि आपके पास कभी आएगा कि मॉड एक्स लेस है किसी नंबर से, उस नंबर को मैं ए कह देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर आया ना, यहाँ पे लेस आया। तो अगर ये वाली सिचुएशन आपके पास आएगी तो इसमें डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखना माइनस ए, यहाँ पे लिखना एक्स, यहाँ पे लिखना ए, ये इसका सॉल्यूशन है, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए। ये चीज सबने देखी भी अपनी छोटी क्लासेस में, या पहली दफा देख रहे हो, देखी है ना सबने। तो जब लेस देन वाली यहां पे आए तो आपने ये चीज लिखनी है। सवाल ये कि अगर ग्रेटर देन के साथ आए फिर क्या करोगे, बिलफर्ज अगर आपके पास ये सिचुएशन आ रही है जो वहां पे आ रही है, अब क्या करोगे? तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि एक्स जो है वो ग्रेटर है ए से, जो है वो लेस है माइनस ए से। इसको इस तरह लिखना है आपने कि एक्स जो है वो ग्रेटर है ए से और एक्स जो है वो लेस है माइनस ए से। ये इस सिचुएशन में करोगे, इसको याद कर लो, कॉन्सेप्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा यार, पर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, फंस जाओगे। तो याद रख लो कि पॉजिटिव नंबर से आपने ग्रेटर रखना है और नेगेटिव ए से आपने इसको लेस रखना है, ठीक है। तो अगर इसी पैटर्न पे मुझे उसका आंसर भी बता सकता है क्या होगा, लिखना चाहिए था उनको, अगर आप बुक में देखो ना, ये इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ये चीज लिख दी है। बताओ तो पता कैसे चला है, बच्चे पे वही थोड़ी ना होगी कहां से चीज आई है। तो स्टिल मैंने आप लोगों को डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जो करेक्ट स्टेप है वो मैं लिखा। इसकी जुगाड़ भी होती, जो इसके बाद ना प्लस माइनस लगा दिया करते थे यहाँ पे, का जुगाड़ के क्या फायदा, देख लो जिंदगी में फिर कभी समझ लेना कि कहां से चीजें आएंगी, अभी बस देख लो किस तरह हो।
तो इस वाली सिचुएशन में मैंने बता दी ये लिखना है, इन दो पॉइंट्स को याद रख लोगे ना जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। ये टॉपिक समझो आपने बहुत अच्छा अभी समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्सिटी में इस टाइप के बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं, तो अभी से सीख लो और क्या चाहिए। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गया, अब इनका मतलब समझो मतलब क्या। अगर आप वैसे भी ऑब्जर्व करो ना यार, इसके अंदर अगर मैं 2 से ग्रेटर कोई नंबर पुट करूंगा तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 - 4 = 5, पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैं -2 से कोई छोटा नंबर पुट करूंगा, -2 से छोटे नंबर क्या होंगे, ये -2 है ना, तो -2 से छोटा नंबर -3 - -4। अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करूंगा, अगेन -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 - 4 = 5, दोबारा पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे -4 पुट करूं तब भी पॉजिटिव ही आंसर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब 2 से ग्रेटर आप कुछ पुट कर लो या -2 से कम कुछ पुट कर लो, इस फंक्शन को कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। इसी तरह 2 भी पुट कर सकते हो, जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे चीज जीरो हो जाएगी, अलाउड है, और -2 पुट करोगे तब भी चीज जीरो हो जाएगी। ठीक है, मसला कौन से नंबर कर रहे हैं, मसला वो नंबर कर रहे हैं जो 2 और -2 के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 4 नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप -1 पुट करोगे तब भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये वो नंबर मसला कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है वो मिल गया। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या मिला है कि या तो x ग्रेटर देन 2 होगा या x लेस देन -2 होगा। सर 2 और -2 के बीच में 0 भी तो आ रहा है। हाँ 0 भी मसला करेगा ना ऑब्वियसली। देखो ये वो सॉल्यूशन है जो ठीक है आपका, आप इसकी बात कर रही हो या इसकी बात कर रही हो? सर इसकी, इसकी कर रही हो ना, तो बिल्कुल सही बात है, 0 भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर ये 0 हो जाएगा, ये -4 है, -4 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 2 और -2 के दरमियान जितने नंबर है वो मसला कर रहे हैं इसको, ये कहना क्या मतलब है। ठीक है, तो ठीक कौन से हैं? ठीक ये वाले नंबर्स हैं, 2 से ग्रेटर, समझ आइए। यस सर। ठीक है, तो ये आपने डोमेन लिख दिया आपका आंसर कंप्लीट। आप चाहो तो इसको थोड़ा नीट फॉर्म में लिख दो कि डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू -2। सही है, अगर ये लीनियर होती तो आपको पता सॉल्यूशन कितना इजी हो जाता। खैर, तो डोमेन आपकी आ गई, इससे मुश्किल सवाल आपके पास नहीं आएगा, इसी किस्म के सवाल होंगे। अब रही बात रेंज की, बस आखिरी मुश्किल आते हैं, रेंज निकालना सीख लेंगे तो मसला नहीं होगा। अब अगेन रेंज आप किस तरह निकालोगे, करेक्ट वाला मेथड बता दिए तो आप लोगों को अजीब हो जाएगा, तो वही जो पहले मेथड पढ़ा था उसी को देखते हैं कि रेंज का मतलब क्या है। ये जो फंक्शन है ना, ये बेसिकली वाई वैल्यू है ना, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि आपको आंसर क्या क्या मिल सकता है, क्या आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या किसी को नजर आ रही है? आंसर कभी नेगेटिव नहीं मिल सकता यहाँ पे, क्यों, कोई रीजन बता सकते हैं यहाँ पे? स्क्वायर रूट है भाई, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, आ ही नहीं सकता नेगेटिव। जीरो आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो सबसे पहली बात आपने क्या ऑब्जर्व की यहाँ पे, वाई कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, सॉरी कैन नेवर बी नेगेटिव लिख देते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता, सबसे पहली बात हमने ऑब्जर्व की। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा, सही, और पॉजिटिव सारे रियल नंबर, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, जब आप एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करोगे या एक्स की जगह पे -2 पुट करोगे तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब वाई वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब रेंज में आपको जीरो भी मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 और -2 पुट करोगे तो वाई वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। चाहो तो आप लिख सकते हो कि वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 और -2, मतलब नेगेटिव आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ पे जीरो मिल सकता है, कब जीरो मिलेगा, जब आप एक्स की जगह 2 या -2 पुट करोगे। ठीक है, अब रही बात कि पॉजिटिव नंबर आपको क्या मिलेंगे, सब पॉजिटिव नंबर मिलेंगे यहाँ पे, क्यों, आप यहाँ पे 3 पुट करोगे आपको 5 मिल रहा होगा, आप 4 पुट करोगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 √12। कहने का मतलब आप जैसी एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपको वाई वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आएगी। कहने का मतलब आपको ये नजर नहीं आ रहा कि आपका जो आंसर है वाई का वो 0 और 2 के दरमियान है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो, वाई वैल्यूज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब सारे पॉजिटिव आपको आंसर यहाँ पे मिल रहे होंगे। अगर आप इसका ग्राफ देखो बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखोगे आपका पूरा ग्राफ जो है ये पॉजिटिव एक्सिस से फैला हुआ है। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है और ये सीखने की जरूरत नहीं कहाँ से आया है, वैसे मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि आप देखोगे सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सब पॉजिटिव आपको मिल सकता है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, भाई कुछ भी पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। इसको सिंपल लिख सकते हो कि वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो कहने का मतलब जीरो आपने पहले देख लिया कि जीरो भी मिल सकता है और आपको यहाँ पे सब पॉजिटिव रियल नंबर मिल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व करके आपने इस नतीजे पे पहुंचे कि रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी सब पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो भी, मतलब यहाँ पे जीरो भी मिलेगा और सब पॉजिटिव रियल नंबर भी मिलेंगे। सेम इसी चीज को इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, बात एक ही है। अब बताओ सबको टॉपिक क्लियर है? 8.1 की थ्योरी सारी मैंने पढ़ा दी है, इवन क्वेश्चंस भी 8.1 के काफी कवर हो गए हैं। अब जब 8.1 सॉल्व करोगे आपको खुद ही समझ आएगी कि आप लोग काफी ऊपर लेवल के सॉल्व कर आए हो। 8.1 में तो शुरू से बेसिक बेसिक बात है सारी। तो कोई सवाल है तो पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों टॉपिक कंप्लीट, अब एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाओ। सर जी बस एक सवाल, ये लास्ट में जो आंसर लिखा रेंज इक्वल्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो जो लिखा है, ये लिखना जरूरी है यूनियन जीरो ये वाली बात बस? इसलिए क्योंकि देखो जीरो क्या है, फिर जीरो को क्या समझते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव दोनों है। है? नहीं, जीरो न्यूट्रल है, जीरो अच्छा न्यूट्रल ना है पॉजिटिव होता है सर। ना नेगेटिव होता है, ठीक है? तो मसला कि जब तुम बोलोगे आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव, इसमें वो सब नंबर आएंगे जो जीरो से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव नंबर आएंगे। इसमें जीरो का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है जीरो भी सॉल्यूशन है, तो इसलिए हमने अलग से मेंशन किया, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हमने बोला कि पॉजिटिव नंबर और साथ साथ जीरो भी। ठीक, थैंक यू।